आगे बढ़ा सकें। मिस्टर तरुण भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मैं आग्रह करूंगी सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए। मिस्टर तरुण भट्टाचार्य जी प्लीज़ आप मंच पर आइए। आज इस मंच के माध्यम से हम संवाद करेंगे और कैसे कोलकाता देश के विकास को गति दे रहा है इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर शौकत मैत्रा से जो कि वाइस चांसलर हैं मकाउत से। प्लीज सर आप भी मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां डॉक्टर शौकत मैत्रा जी के लिए। हिंदुस्तान की बात कोलकाता से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे क्योंकि इस चर्चा का विषय भी हम आपको बता दें द रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड एंड हाउ बंगाल कैन शो पाथ टू इंडिया। ये आज का हमारा विषय रहेगा लेकिन चर्चा शुरू करूं उससे पहले महेश रामाकृष्णन जी ब्रांच हेड जी मीडिया से मैं आग्रह करूंगी आप आए और स्वागत किया जाए बुके देकर। मिस्टर तरुण भट्टाचार्य जी का स्वागत किया जाए बुके देकर। आज इनके अनुभव इस मंच के माध्यम से साझा हो सकेंगे और साथ ही डॉक्टर शौकत मैत्रा जी भी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान की बात 2021 कोलकाता से। धन्यवाद महेश जी। सर प्लीज चर्चा की हम यहां पर शुरुआत करेंगे और साथ ही मोपिया नंदी जी चैनल हेड हैं जी 24 घंटा की। प्लीज़ आप भी आइए और वो इस चर्चा में मेरा आज सहयोग करेंगे। एक बार फिर से इस पैनल का इस डिस्कशन का विषय क्या कुछ होने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। द रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड एंड हाउ बंगाल कैन शो द पाथ टू इंडिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा शौकत मैत्रा जी आपसे रहेगा, भारत की बात की जाए या फिर यूं कहें कि पूरे विश्व में टेक्निकल एजुकेशन की भूमिका अब बदल रही है, बंगाल की अगर इसमें बात की जाए तो बंगाल उसमें दिशा दिखाने वाला राज्य कैसा बन सकता है? बंगाल में पहले मैं तो आप सबको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जी टीवी को मुझे इधर बुलाने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए। तो बंगाल में जो टेक्निकल एजुकेशन का जो दिशा हम लोग कुछ दिन पहले से ही बदलने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सन 2017 से हम लोग जितना करिकुलम था अब हम लोग का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अपने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की सभी को कामी आने वाले दिनों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट हुआ इसी के ऊपर नज़र रखते हुए सभी को हम लोग चेंज किया और अपग्रेड भी किया। और ये जो प्रक्रिया ये चालू है और हम लोगों का जो करिकुलम है कोर्स करिकुलम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये अभी हम लोग जो मॉडर्न टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स और मॉडर्न करिकुलम इसको इसी के ऊपर नज़र रखते हुए इसको सब इसको किए है। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो सिस्टम अभी चल रहा है टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में अभी ये नेशनल लेवल और कुछ हद तक में इंटरनेशनल लेवल तक भी कह सकते हैं। यानी कि इन चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल तक भी बंगाल एक ऐसा राज्य बन सकता है जो टेक्निकल एजुकेशन को और भी दिशा दिखा सकता है। मिस्टर तरुण भट्टाचार्य जी अब आपसे मेरा सवाल रहेगा क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, क्या जो बंगाल में सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत है? जी ব্যবস্থাপনাগুলো রয়েছে যে সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে বাংলায় সেগুলো কতটা কার্যকরী এবং আর কোথায় কোথায় আপনার মনে হয় যে আরো কোন কোন জায়গা একটু নজরে দেওয়া দরকার? মানে বাংলায় বলবো আমি প্রথমে হিন্দিতেও বলতে পারি না মানে পহলে জি হাউস কো বধাই দে দুঙ্গা কিউকি জি হাউস নে জো নিমন্ত্রণ কিয়া হ্যায় হামারা কলেজ কো और बंगाल को जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव मैं भी हूँ उनको बुलाने के लिए। तो मेरा सवाल है यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन चल रहा है उसके और कुछ सुधार चाहिए कि नहीं? सुधार देखिए ये तो एक लॉन्ग टर्म का काम होता है, कभी अंत नहीं है इसका, हमेशा सुधारते जा रहा है। देखिए बंगाल में पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था एक समय में, दूसरा दूसरा स्टेट आगे चला गया था, जैसे महाराष्ट्र बोलिए
कर्नाटक बोलिए, प्राइवेटाइजेशन पहले ही हो गया था इंजीनियरिंग चाहे साधारण कॉलेज में, लेकिन बंगाल में शुरुआत हुआ है बीच ऑफ मिडिल ऑफ 90s, लेकिन बाद में शुरू होने का बावजूद भी बंगाल में बहुत अच्छे से उसको एक जगह पर पहुंच गया। अभी इंडिया में हम लोग एक बोलते हैं कि पहला स्थान में चला गया है। और ये भी है, आप लोग को जानकारी के लिए बोलना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिसेंटली एक तो न्यूज़ पब्लिश किया है, उसमें वो लोग बोला है कि टेक्निकल कॉलेज में जो लोग पढ़े हैं सारा इंडिया में, उसमें बंगाल में सबसे अच्छा नौकरी मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा बंगाल का लड़का लोग को, बच्चे लोग को जो पढ़ते हैं बंगाल में, ऐसा नहीं कि बंगाल का ही लड़का पढ़ते हैं, बंगाल में बिहार का लड़का पढ़ते हैं, बंगाल में झारखंड का लड़का पढ़ते हैं, बंगाल में नॉर्थ ईस्ट का बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ जो पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ाई और उसका साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये मोटा मोटी हर इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में ही अच्छा माने यहाँ होता है। और इसके चलते ही टीचिंग और स्टूडेंट का साथ जो रिश्ता होना चाहिए वो भी बहुत मजबूत है यहाँ। और ट्रेनिंग प्रोसेस जो होता है वो भी ट्रेनिंग, इंटरनल जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग भी, वोकेशनल ट्रेनिंग बोलिए, इंटरनल ट्रेनिंग बोलिए, ये इतना सुंदर होता है कि इसका चलते जो बाहर से कंपनी आता है उन लोग को, हम लोग का लड़का लोग को लेने में बहुत सुविधा होता है। पिछले साल तो पेंडेमिक था, तो पूरा बंद था, सब ऑनलाइन में हुआ, तो ऑनलाइन में बच्चे लोग कॉलेज में भी नहीं आ पाए, घर से वो लोग इंटरव्यू दिया, लेकिन हाईएस्ट नंबर हम लोग का बच्चे लोग स्कोर कर दिया। हमारा कॉलेज में भी पिछले साल रिकॉर्ड हो गया था, इस साल उसको भी छोड़ के आगे चला गया। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसमें से 500 स्टूडेंट हम लोग का अभी नौकरी मिल गया। और मैं बधाई देना चाहूँगा मेरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को, जो इन लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में जैसे ऑनलाइन क्लासेस को जैसे कंडक्ट किए हैं, उसके बाद इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसको अच्छी तरीके से कंडक्ट करके और परीक्षा को ऑनलाइन में इतना सुंदर किया है सॉफ्टवेयर दे करके उन लोग, उनका और उनका टीम, और उसका रिजल्ट भी इतना जल्दी निकाल दिया कि जुलाई महीने में परीक्षा हुआ, जुलाई महीने का परीक्षा देने का 7 दिन का अंदर ही रिजल्ट निकल गया। और जो लोग को नौकरी मिला वो लोग का कंपनी में मांगता है तुरंत ज्वाइन करने के लिए, तो सबको इन लोग ने सुविधा कर दिया। इससे चलते सब बच्चे लोग, वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है लेकिन सब बच्चा अपना ज्वाइन कर गया। तो यहाँ और भी गवर्नमेंट का तरफ देखना है, गवर्नमेंट अगर हम लोग को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का तरफ और भी अच्छा थोड़ा देखें, बहुत सारा इसमें है जो जो हम लोग बात भी करते हैं, नया जो मिनिस्टर आया है उनसे अभी बातचीत नहीं हुआ लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हम लोग का मीटिंग हुआ, उनका साथ तो हम लोग हमेशा बैठते हैं, वो हम लोग को बहुत समय देता है। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो जो हम लोग का कमी है वो जल्द से जल्द ख़त्म होकर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और यही उम्मीद भी की जानी चाहिए क्योंकि उसी से ही जो पश्चिम बंगाल के लोग होंगे, जो स्टूडेंट्स तमाम होंगे जो टेक्निकल स्टडीज़ की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और उसी तरीके से बंगाल का नाम देश और दुनिया में रोशन हो पाएगा। शौकत जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बहुत सारे अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नए भी खुल रहे हैं और शिक्षा और ज़्यादा इंजीनियरिंग की मिल पा रही है, लेकिन कोरोना काल में जब हमने देखा कि एक बार के लिए सब कुछ बंद हुआ, सब अपने घरों में कैद हुए, अब उसके बाद जब धीरे धीरे अब स्थिति पटरी पर लौट रही है, ज़िंदगी वापस वैसी हो रही है, अभी कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षा देने के लिए जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग इस वक्त कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी जितना टीचिंग लर्निंग सिस्टम वो ऑनलाइन भी चल रहा है, अभी धीरे धीरे हम लोग जो है इसी को नॉर्मल करने का कोशिश में हूँ। जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर निकलेगा तब हम लोग स्टूडेंट को कैंपस में आने के लिए परमिट करेंगे, तो फ्यूचर में जो होगा ब्लेंडेड सिस्टम कुछ देर तक चलेगा क्योंकि उसमें कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन इसको मिक्स करके हम लोग चलाएंगे। और अभी ऑनलाइन सिस्टम में एजुकेशन देने में हम लोग का एक लेवल अटेंडमेंट हो गया है, एक सर्टेन लेवल तक हम लोग अचीव कर लिया। अभी ऑफलाइन एजुकेशन तो हम लोग का तो पहले से ही चलता था, तो उसी में एक्सपर्टाइज है, तो अभी जो न्यू एक्सपर्टाइज हम लोग गेन कर लिया ऑनलाइन में, इसी के साथ ऑफलाइन एक्सपर्टाइज मिला के हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे।
और बहुत सारे नए जो है जो चीज़ आए है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल एरेना में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत सारे फ्लरिशमेंट हुआ है। इसी को प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के साथ ब्लेंड करके हम लोग के कारिकुलम को जितना एम्प्लॉयबल हो सकता है इसी का करने के कोशिश में जुड़े हुए हूँ। तो मैं तो बिलीव करता हूँ जो इसका रिजल्ट मिलेगा बहुत जल्दी, जैसे तरुण बाबू ने बोला स्टूडेंट लोगों को जॉब मिल रहे हैं, आने वाले दिन में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी भी आ रहे हैं। तो इसी नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने के लिए हम लोग जितना सारे हम लोगों का जो विजन है, जो न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपर्टाइज डेवलप करने का, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। तो आने वाले दिन में इसको बेनिफिट स्टूडेंट लोगों को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और ये जानना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कोरोना महामारी ने शिक्षा भी एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और अब जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो रही हैं तो जो बेपटरी सब कुछ हुआ उसे पटरी पर लाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। मिस्टर तरुण जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आइडिया लैब डी सी रॉय इंजीनियरिंग एक शानदार इनोवेशन है, हम सब देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और आप बताइए। एक्चुअली आइडिया लैब के लिए सारा इंडिया में बहुत सारा कॉलेज अप्लाई किए थे, ये AICTE का एक स्कीम है, तो सौभाग्यवश हम लोग का कॉलेज बंगाल में, हम लोग का कॉलेज और हल्दिया का जो कॉलेज है बंगाल में, दो कॉलेज को ये स्कीम मिला है। इसमें 50-50 है, AICTE 50% देगा, हम लोग 50% कॉलेज से देंगे। ये आइडिया लैब का आइडिया क्या है, एक सुंदर आइडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलिए चाहे AICTE का बोलिए, जो विज्ञान लेके साइंस लेके जो पढ़ रहा है स्कूल में, वो छात्र छात्री लोग को नेबरिंग जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है उन लोग को सुविधा दें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हम लोग का कॉलेज में आएंगे, हम लोग का कॉलेज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, 50% खर्च करेंगे AICTE, 50% खर्चा करेंगे हम लोग। इसका स्टार्ट हो गया, ट्रेनिंग भी चल रहा है, दिल्ली में गया है हम लोग का आदमी ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद चालू होगा, स्कूल भी अभी बंद है, कॉलेज भी अभी बंद है, जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तब वो बच्चे लोग को हम लोग स्कूल में जाके बुलाएंगे, वो लोग आएगा स्कूल में, 9, 10, 11 का ही अच्छा सुविधा होगा, वो लोग आएंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वो लोग को मिलेगा कॉलेज में, वो 24 घंटा खुला रहेगा, बैच वाइज आएगा। और कॉलेज जो ऐसे जो कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज है उसका छात्र छात्री भी इधर आएगा, वो लोग भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेगा, इसका लेने के बाद वो बच्चे लोग का, वो स्टूडेंट्स लोग का मैंने प्रैक्टिकल जो मैंने साइंस का जो टेक्नोलॉजी का उसका एक सुविधा वो लोग को मिलेगा, जो आने वाले दिन में वो लोग का अपने नौकरी के लिए बोलिए चाहे देश के लिए हित के लिए वो लोग काम करने सकेगा। और हम लोग का एक तो स्कीम हम लोग अप्लाई किए थे उसका काली मिला है, वो बंगाल में हम ही लोग को मिला है, उसका नाम है LITE शॉर्ट फॉर्म लर्निंग इन टीचिंग एक्सीलेंस। तो वेस्ट बंगाल में AICTE का स्कीम था, इसमें AICTE में बंगाल में कल उसका नतीजा आया है, इस स्कीम में हम ही लोग को वो लोग चुना है। ये भी एक तो अच्छा स्कीम है, ये क्या होगा जो NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चालू होने जा रहा है उसमें सारा इंडिया के ऐसे कुछ कुछ कॉलेज को वो लोग चुना है, कुछ टीचर्स को, वो लोग सारा इंडिया जाके वो नया एजुकेशन पॉलिसी को माने वो लोग कॉलेज में जा कर के वो लोग बोलेगा, वो लोग समझाएगा, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट के लिए वो लोग कोशिश करेगा। तो इसमें एक खूबी है कि हम लोग का डॉक्टर बिश्नोई इंजीनियरिंग कॉलेज बंगाल में हम लोग को मिला है कल। तो शेखर जी से हम पूछना चाहेंगे, बंगाल में टेक्निकल एजुकेशन को हम कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, क्योंकि हम सब तो चाहते हैं कि ये एक टेक्निकल एजुकेशन हब बन जाए। टेक्निकल एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम लोग जो स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसी में है जितने सारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल कोर्स का है, इसके साथ जो नए पीढ़ी का जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल कोर्स है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये जितना कोर्स है सभी को इंटीग्रेट करने के करना,
क्योंकि प्रोफेशन जो भी हो, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जितना जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच हो, ये फार्मेसी जो भी हो, स्टूडेंट लोगों को कंप्यूटर कोडिंग आना चाहिए, क्योंकि कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग ये न्यू स्किल है, सब फील्ड में सभी को ये स्किल एक्वायर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जो जितना सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ये सब में एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए। तो हम लोग ये ब्लेंड करने का काम चालू कर दिया है, ट्रेनिंग देने का काम चालू कर दिया है। तो आने वाले जो सिस्टम में जो फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होगा, सब इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स को ये सब स्किल अप्लाई करके, ऐसे अपना इनोवेटिव आइडिया अप्लाई करके, माइक्रो लेवल नॉलेज बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट, ये सब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक तरीका है जिससे कि टेक्निकल हब पश्चिम बंगाल को निश्चित तौर पर बनाया जा सकता है। तरुण जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आईटी और कोर सब्जेक्ट्स, ये वर्सेस नजर आता है, इसको लेकर छात्रों में, स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन भी नजर आता है, अगर इसे आप यहाँ से क्लियर कर पाए तो। हाँ जरूर, हम तो बोलेंगे कि कोर सेक्टर जो है, कोर इंजीनियरिंग जो है, ये आगे भी था, आज भी है, काल भी रहेगा। थोड़े दिन के लिए कुछ रुकावट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे इंडिया में ग्रो करेगा, अभी तो ये कोविड सिचुएशन चला जाने के बाद सारा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में एक हम लोग का ख्याल से एक बड़ा सा काम चालू हो जाएगा। तो जब ये चालू हो जाएगा तब मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल को ही स्कोप मिलेगा। और भी एक बात है कि अभी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो आईटी इंडस्ट्री है, वो भी पहले मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल को बैठने नहीं देता था, लेकिन अभी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल को वो सुविधा मिल रहा है जो कोर्स आपको, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसमें वो लोग एलिजिबल हो गया है। और पिछले साल हम लोग का कॉलेज में मैकेनिकल का छात्र और इलेक्ट्रिकल का छात्र बहुत सारा नौकरी मिल गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और एक तो सुविधा है इसमें पढ़ने के लिए, अभी बच्चे लोग सोचते नहीं हैं, सब कंप्यूटर साइंस कर रहा है, लेकिन इसमें एक सुविधा है कि आप जो कोर्स इंजीनियरिंग है इसमें से मास्टर्स करने के लिए कंप्यूटर में कर सकता है कोई भी, जो अभी जो इमर्जिंग एरिया है उसमें कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का छात्र छात्री कोई कोड में जा करके वो मास्टर्स करने नहीं पाएगा। और जब तक देश रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, तब तक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सबका डिमांड रहेगा। ये थोड़ा बहुत इसी में थोड़ा मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चेंज हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं, इसी में रोबोटिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन हो रहा है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, स्मार्ट कार बन रहा है, स्मार्ट बिल्डिंग बन रहा है, तो इसके लिए चाहिए एक कोर इंजीनियरिंग नॉलेज का साथ आईटी बेस्ड नॉलेज को जोड़ना। तो ब्रांच जो भी हो, इसी का साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना स्किल है, ये अगर ब्लेंड किया जाए तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में, जैसे तरुण बाबू बोले, जो कोर इंजीनियरिंग साथ के इस सेक्टर के साथ, अभी आईटी सेक्टर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट लोगों को ऐसे ही स्किल होना हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो एप्लीकेशन। और जिस नॉलेज की जरूरत आप बता रहे हैं, वही नॉलेज आप दे भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए, इन्होंने अनुभव अपने साझा किए। मैं आग्रह करूंगी, महेश रामाकृष्णन जी ब्रांच हेड हैं जी मीडिया के, प्लीज आप यहाँ पर आए और मोमेंटो इन्हें भेंट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बंगाल के बच्चे लोग के लिए मेरा जो कहना है, जे बंगाल से बाहर क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए, बंगाल में सब कुछ है, बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा फैकल्टी है, ट्यूशन फीस ओनली 3.5 लाख, और बगल वाला स्टेट ओडिशा में 14 लाख, यहाँ जो नौकरी मिलेगा जो उस कंपनी में, वह 14 लाख दे करके उसी कंपनी में नौकरी मिलेगा। तो ये भी सोचना के लिए हम बोलेंगे स्टूडेंट और गार्जियन को, जो बंगाल का बच्चे के लोग को बंगाल में ही पढ़ाने के लिए,
बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया कि टेक्निकल हब कैसे बनाया जा सकता है, इसमें आप से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता था। मोमेंटो में चाहूँगी कि प्लीज़ इन्हें भेंट किया जाए, आज इस डिस्कशन का आप हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया तरुण जी और साथी शौकत मैत्रा जी यहाँ पर आने के लिए, अपने अनुभव आज यहाँ पर साझा करने के लिए, आपके अनुभव, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इस पैनल डिस्कशन का जो टॉपिक था वो रहा, और पश्चिम बंगाल से जो लोग निकल रहे हैं कैसे टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा भी यहाँ से दिया जा रहा है, और कैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस तमाम यहाँ पर तादाद में भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, इस पर हमने आज जिक्र किया। बहुत शुक्रिया इस चर्चा का आज हिस्सा बनने के लिए। जी हिंदुस्तान का ये खास कार्यक्रम हिंदुस्तान की बात कोलकाता से, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन करना बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।